हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल, यानी विक्रम सर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज तो मकर संक्रांति है, तो आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज फिजिक्स का जो कि एम्पियर्स लॉ लेकर आए हैं, जो कि VVI है। अच्छा, एम्पियर्स लॉ यानी कि एम्पियर्स लॉ यानी कि एम्पियर के नियम पर ये डेरिवेशन बनाएंगे। किसी अनंत लंबाई के धारावी चालक की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एम्पियर लॉ की वजह से ही बनेगा ये। तो सबसे पहले चलते हैं एम्पियर लॉ क्या है। तो एम्पियर का नियम, तो सबसे पहले किसी बंद लूप से चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन उस लूप का के अंदर उपस्थित विद्युत धारा का कितना होता है, म्यू जीरो गुना होता है। तो सबसे पहले इसलिए हम कॉन्स्टेंट लिए थे म्यू जीरो बट्टे 4 पाए कॉन्स्टेंट लिए थे। वहां क्या होता था कि के बराबर होता था 1/4π ε₀, क्योंकि वहां होता था 1/ε₀, यानी कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश का जो होता था ε₀ गुना होता था, यानी कि q/ε₀ होता था। इसलिए होता है वहां 1/4π ε₀। यहाँ क्या होगा, सीधे विद्युत धारा का म्यू जीरो गुना है डायरेक्ट, तो यानी कि μ₀/4π कॉन्स्टेंट, इसीलिए हम लेते हैं μ₀/4π। तो एम्पियर का नियम कहता है किसी बंद लूप से चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन उस लूप के अंदर उपस्थित विद्युत धारा का म्यू जीरो गुना होता है, यानी कि ये। तो चलते हैं बनाना ये डेरिवेशन, किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, यानी कि इससे बनेगा ये डेरिवेशन। तो सबसे पहले इसमें लिए हैं एक धारावाहिता, यानी कि धारावाही चालक जो हम I डिनोट किया, धारा को डिनोट करता I से, करंट। तो यानी कि ये लूप लिया, ये लूप ऐसा है, धारावाही चालक ऐसा है और लूप ऐसे है, ऐसे दिखाए हैं ऐसे, यानी कि धारावाही चालक ऐसे है तो लूप कैसा है, ऐसे बना है लूप। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या क्या है, R है, और ये विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहे हैं ये बी। तो चलते हैं, मान लिया किसी धारावाही चालक के निकट P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी फिगर को समझना है तो ये चीज पढ़ें लैंग्वेज, तो फिगर आपको समझ में आ जाएगा। तो लिए हैं, मान लिया जाए, यानी मान लिया किसी धारावाही चालक के निकट P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ P का धारावाही चालक से लंबवत दूरी R है। यहाँ से लंबवत दूरी केंद्र यहाँ है, यहाँ से लंबवत दूरी कितना R है। P से गुजरता हुआ एक लूप बनाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे गुजरता हुआ एक लूप बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। गुजरता हुआ एक लूप बनाते हैं, त्रिज्या R है और उसका केंद्र धारावाही चालक से गुजरता है। लूप का तल धारावाही चालक के लंबवत है, यानी कि लूप जो है ऐसे है, इसका तल क्या हो जाएगा, ये यानी कि एक वृत्त ऐसे हम बनाते हैं तो उसका तल क्या हो जाता है, ये वृत्त ऐसा है तो इसका तल के लंबवत है, यानी कि इधर है, यानी कि धारावाही चालक इधर है। अगर लूप हम ऐसे मान लेते हैं तो धारावाही चालक इधर है, यानी कि लंबवत है, और हम लूप माने ऐसे, धारावाही चालक के लंबवत ऐसे हो जाएगा, धारावाही चालक के लंबवत है। अस्टेड के प्रयोग से हम जानते हैं कि, यानी कि अस्टेड का प्रयोग आप लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में, सबसे पहले अस्टेड का थ्योरी। अस्टेड के प्रयोग से हम जानते हैं कि लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा लूप के अवयव TS की दिशा यानी कि ओर होगी, यानी कि समान होगी। बी वेक्टर की दिशा जो है इसी की ओर होगी DS की दिशा, यानी कि ऐसे बी क्या है और DS का ऐसे है, यानी समान है, तो इसके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो चलते हैं, अतः अल्पांश DS के लिए, यानी कि अतः हम पिछले वीडियो में बनाए थे, यानी कि छोटा सबसे पहले इसके लिए हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब फिर निकालते हैं पूरे। तो सबसे पहले आता है अल्पांश DS के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो होगी बी वेक्टर डॉट DS, यानी कि DS वेक्टर, तो बराबर जब तोड़ेंगे बी DS cos थीटा हो जाएगा। जब हो जाएगा तो cos थीटा का मान हम बता चुके हैं कि 0 होगा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, समान है दोनों की। तो बी DS cos 0, यानी कि cos 0 का मान 1, तो बी वेक्टर डॉट DS का वेक्टर क्या हो जाएगा, बी DS निकला। अतः पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन ये निकला सिर्फ इतना सा अवयव के लिए, यानी कि DS के लिए। अब हमको पूरे लूप का निकालना है, तो पूरे लूप का क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। ये जो दर्शा रहे हम लूप दर्शा रहे हैं, इंटीग्रेशन हम जो ऐसे किए हैं ये लूप दर्शा रहा है।
प्रचलित आता पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन क्या होगा, यानी कि इतना मान निकला, इतना का मान इतना निकला, तो लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, बी समान होता है, यानी कि बी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बी का मान क्या होता, समान होता, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो बी डी एस को जब इतना मान निकला इतना, तो बी क्या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिए, इसको बाहर कर दो डी एस, यानी कि ये क्या है, वृत्त है, ऐसे वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, तो r का मान हम r ही लिए हैं, तो हो जाता है 2πr, तो यानी कि तब बना देंगे BDS बराबर b 2πr, इतना मान निकला, इतना बराबर इतना मान निकला, यानी कि एम्पियर के नियम से हम पढ़े हैं इतना बराबर क्या होता है, म्यू जीरो आई, अतः क्या लिखा, एम्पियर के नियम से इतना बराबर क्या निकलता है, म्यू जीरो आई, तो इतना मान क्या निकला है, बी 2πr, तो बी 2πr बराबर म्यू जीरो इंटू आई, हमको निकालना क्या, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं हमेशा बी से, तो बी बराबर हमको निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई बटे 2πr, यानी कि फाइनल डेरिवेशन यही आपको लाना है मैथमेटिकल, म्यू जीरो आई बटे 2πr, यानी कि किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो म्यू जीरो आई बटे 2πr, यानी कि एम्पियर लॉ पढ़ने के बाद ये चीज बना। तो सबसे पहले एम्पियर लॉ यही कहता है कि धारा का सीधे सीधे म्यू जीरो गुना होता है, और हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ में, क्या पढ़े थे, तो गॉस लॉ में होता था किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 होता है, इसीलिए 1/4πε0 हम लेते हैं कॉन्स्टेंट वहां, और यहाँ लेते हैं म्यू जीरो बट्टे 4π कॉन्स्टेंट। तो वही निकालना, किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे निकलेगा, अगर इस फिगर को अच्छी से समझना हो तो ये लैंग्वेज को पढ़ें अच्छे से, यानी कि तब आपको फिगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम ये चीज तो पिछले क्लास में कर चुके हैं, पहले डी एस के लिए छोटा सा, यानी कि यूनिट वन में निकालते थे छोटा सा, पहले लेते थे डेल्टा ए, इसका मान निकालते थे, तब पूरे का इंटीग्रेशन डेल्टा ए करते थे यूनिट वन में, तो ये चीज हम तो पुराने करते करते आ रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आता होगा। तो डी एस के लिए सबसे पहले निकालें बी डॉट डी एस बराबर कॉस थीटा में टूटता है डॉट प्रोडक्ट, तो बराबर कॉस थीटा का मान लिख दिया है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के अवयव डी एस की ओर होगी, यानी कि दिशा समान होगी, तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान होता है 1, तो इतना मान क्या निकल गया, बी डी एस। अतः पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन को निकालना है, ये निकला सिर्फ छोटा सा, यानी कि छोटा सा लेते थे पहले, उसके लिए निकला ये इतना मान, अब निकालना पूरे लूप के लिए, यानी कि हमको पूरे लूप का मान निकालना है, तो निकलेगा क्या, इसको हम लूप दर्शाते हैं, बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में जो गोल घेरा किए हैं ये लूप दर्शा रहा है, बी डॉट डी एस बराबर इतना मान निकल चुका है, यानी बी लिख दिया है कि लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी समान होता है, जब समान होता है क्या होता है, कॉन्स्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, जब कॉन्स्टेंट हो गया तो ये बी बाहर कर दिए, तो बचा क्या डी एस, डी एस क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ मान कुछ निकला, यहाँ कुछ निकला, यहाँ कुछ निकलेगा, यहाँ कुछ निकलेगा, तब मिला जुला के टोटल मान उतना निकलता है, तो बी बाहर आ गया, डी एस जो निकल गया क्या है, परिमाप, ये वृत्त का परिमाप है, तो परिमाप क्या निकलेगा, 2πr, तो बी यानी कि बी डॉट डी एस बराबर क्या निकला, बी 2πr, यानी एम्पियर के नियम से, यानी कि यहाँ इसलिए हम पहले इसको लिख दिए हैं एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम से क्या होता है, यानी इतना बराबर इतना, तो इतना मान हम जानते हैं बी 2πr बराबर म्यू जीरो आई, तो हमको निकालना बी का मान म्यू जीरो आई बटे 2πr, फाइनल डेरिवेशन यही है, मैथमेटिकल यही आपको लाना है। इसमें यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, तो 5 मार्क्स का ही पूछेगा ही, इसमें कोई दुमत नहीं है, ये 3 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, सिलेबस का भी ये 5 मार्क्स का है, तो यूनिट 3 का ये अगला डेरिवेशन आप लोग को मिलेगा जल्द ही, इसके लिए थैंक यू।